देशमुख या खेळाडूने या ठिकाणी आपल्या गावच्या नरसिंह चषकाच्या भव्य दिव्य आयोजनामध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन एक मोलाचं सहकार्य या ठिकाणी आपल्या नियोजनबद्ध कृतीमधून दाखवण्यात आलेलं आहे. त्यांना त्यांचा हा सामना बघून प्रत्येक रणास 101 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी प्रवीण भैया कांबळे यांच्या मार्फत या ठिकाणी देण्यात येणार आहे. नवीन दोन पैलवान फलंदाज नरसिंह क्रिकेट क्लबचे या ठिकाणी मैदानावरती आलेले आहेत आणि पैलवान फलंदाज आहेत सचिन स्वामी सर आणि प्रशांत कुलकर्णी. दोन होनहार फलंदाज या ठिकाणी मैदानावरती आलेले आहेत. बघूया आपल्या संघासाठी एक इच्छित धावसंख्या आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर या ठिकाणी कशा रूपानं या मैदानावरती साजरी करतात ते. कारण समोरचा संघ बलाढ्य आहे परंतु तेवढ्याच अनुभवाची खाण असलेले दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी नरसिंह क्रिकेट क्लबचे मैदानावरती उतरलेले आहेत. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत. दोन्ही संघ पैलवान संघ आहेत. दोघांना माहीत आहे या मोठ्या फॉर्मॅटमध्ये कशा पद्धतीची फलंदाजी या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये कशी करायचं आहे ते. अगदी त्याच तत्परतेने दोन्ही संघ भिडत असताना पहिलाच चेंडू या ठिकाणी आणि हा पहिलाच चेंडू बॅटची कड घेऊन त्या ठिकाणी स्लीपच्या अगदी समोर एक छोटासा झेल सुटलेला. परंतु या ठिकाणी हा होत असलेला सेमी फायनलचा सामना प्रत्येक बॉलवर उत्कंठा वाढवणारा. कारण या क्रिकेटमध्ये प्रत्येक बॉलवर प्रत्येक शॉटवर प्रत्येक रनावर एक वेगळं गणित तयार होणार आहे. सहा षटकांचा हा सामना असणार आहे. या सहा षटकाचा सामन्यामध्ये प्रत्येक बॉल प्रत्येक शॉट आणि प्रत्येक झेल प्रत्येक विकेट या ठिकाणी महत्वाचा असणार आहे. हा पुढील चेंडू त्या ठिकाणी एक टोलाला उंच असा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु त्या ठिकाणी एक बाउंड्री लाईन त्या ठिकाणी क्रॉस केलेला हा फटका म्हणावा लागेल. आपलं वैयक्तिक व संघाचं खातं चौकाराने या ठिकाणी ठोकलेला पैलवान फलंदाज. पुन्हा एकदा खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन म्हणावं लागेल. या ठिकाणी अखूट टप्प्याचा थोडासा स्लो बॉल परंतु तेवढ्याच स्थितापिना एक फटका मारलेला. पुन्हा एकदा 4 रन प्राप्त केलेले आहे. त्यांच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं तर एक स्फोटक फलंदाज म्हणून आपल्या या भागामध्ये प्रसिद्ध असलेला हा फलंदाज आपल्या अगदी त्याच शैलीमध्ये फलंदाजी करत असताना या नमोचषकामध्ये दिसतोय. पुन्हा एकदा एक नेत्रदीपक असा शॉट मारलेला बघूया काय होतं. आणि नक्कीच लगातार 3 चेंडूवर 3 चौका स्वामी सरच्या बॅटमधून. कौतुक करावं लागेल या फलंदाजाचं. तंत्रशुद्ध असं नियोजनबद्ध या ठिकाणी फलंदाजी करत असताना आपल्या नावाला साजेशी फलंदाजी या नरसिंह चषकाच्या माध्यमातून होत असलेल्या या सेमी फायनल मध्ये या ठिकाणी फलंदाजी करतोय स्वामी साहेब. एक तगडा फलंदाज चिंचोली संघाचा, एक पैलवान फलंदाज
चिंचोली संघाचा आपल्या वैयक्तिक कामगिरीच्या जोरावर संघाला सावरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत असताना पहिल्या षटकामध्ये या ठिकाणी या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये कशा पद्धतीने फलंदाजी करायचा आहे, काय करायचं आहे, अनुभवाची खाण असलेले दोन पैलवान फलंदाज मैदानावरती दिसत आहेत. हा पुन्हा एकदा गुडलेन लेंथवरला टप्पा पडल्यानंतर चकवा देणारा चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर चकवा देणारा चेंडू आणि बीट झालेला फलंदाज या ठिकाणी आणि निर्धाव टाकण्यामध्ये यशस्वी झालेला गोलंदाज. दोन धावा आले, दोन धावा आणि पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर पुन्हा तयार आहे गोलंदाज. आणि ह्या गोलंदाजांना थोडासा ओव्हर पिच चेंडू, परंतु लेग स्टंपवर टाकलेला, तेवढ्याच सितापीनं लेग ग्लान्स केला आणि तत्पूर्वी एक रन मिळवण्यामध्ये यशस्वी झालेला आहे फलंदाज या ठिकाणी. अशा पद्धतीनं पहिला षटकाचा खेळ संपलेला आहे आणि धावसंख्या झालेली आहे 15. धन्यवाद गोविंद सर. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय पहली ओवर में उसको सहित साबित करते हुए, हालांकि ओपनिंग पेयर की जो जोड़ी थी उसको चेंज किया था इस मुकाबले में. प्रशांत का साथ देने के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी थी वो अनुभवी खिलाड़ी स्वामी सर खुद मैदान में आए, और आए ही नहीं बल्कि आते ही छा चुके हैं. छह गेंदों का सामना किया है. छह गेंदों का सामना किया है 13 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए, यानी 225 की स्ट्राइक रेट से जो जिम्मेदारी पूरी टीम ने उनके कंधों पर दी थी, उनके मैनेजमेंट ने उसको सही अंजाम देते हुए. अब गेंदबाजी के लिए फील्ड में तब्दीली होती हुई डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया है और एक लॉन्ग ऑन पर विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप पर बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ, एक खिलाड़ी मिड ऑन पर और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर. यह फील्ड की सजावट दुधिया रोशनी में चलता हुआ यह मुकाबला नरसिंह चषक 2024 का अंतिम दे दूसरा सेमीफाइनल. राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे स्वामी सर. शॉर्ट पिच गेंद पटकी हुई, हल्की सी अपील गेंदबाज द्वारा अंपायर पुष्टि करते हुए दोनों हाथ फैलाकर शाहरुख खान की तरह इशारा करते हुए कि ये वाइड गेंद है. एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय. जबरदस्त क्रिकेट का मेला इस मैदान पर लगता हुआ. किशन चौहान यांच्याकडून हाफ सेंचुरी साठी 501 रुपयाचे पारितोषिक आलेले विशाल डांगे मुरुड एक्सप्रेस. फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से वाइड गेंद का इशारा, दो बैक टू बैक वाइड गेंदे और प्रेशर दबाव किसे कहते हैं वो दिखता हुआ इस गेंदबाज की रीढ़ की हड्डी मुरुड एक्सप्रेस. विशाल डांगे दो वाइड गेंद के साथ शुरुआत करते हुए, और क्रिकेट में कहावत है कायदे में रहोगे तभी आप फायदे में रहोगे. फिर से पटकी हुई गेंद थी, पुल शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद तेज तरीके से बल्ले पर आई, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जहां स्टिकर होता है वहां पर गेंद लगी, डीप स्कोर लेग की दिशा में गेंद गई, वहां पर फील्ड किया लेकिन तब तक अपने छोर बदलने से नहीं रोक पाए. अब स्ट्राइक पर इस टीम के रीढ़ बल्लेबाज की भी और गेंदबाज की रीढ़ की हड्डी प्रशांत कुलकर्णी. 15 अगस्त 1975 को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी रमेश सिप्पी द्वारा दिग्दर्शित, उस टीम उस मूवी का नाम था शोले. उसमें एक डायलॉग था, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांसें चलेंगी, वैसे ही जब तक इस बल्लेबाज का बल्ला चलेगा पूरे तब से चिंचोली की टीम की भी और गांव की सांसें चलने वाली है. नाम है प्रशांत कुलकर्णी, नाम में शांत है, कूल है, लेकिन बल्लेबाजी आक्रामक तरीके से करता है बल्लेबाज. ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर शॉट खेलने की कोशिश,
गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद। दूसरे ओवर की मात्र दो गेंदे हो चुकी है, रन बने हैं 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक ठोस मजबूत और कड़क शुरुआत मिल चुकी है, बड़े स्कोर की नींव रख चुकी है मुरुड एक्सप्रेस। राइट आर्म ओवर द विकेट विशाल, इस बार फिर से जबरदस्त गेंद। 18 नंबर की जर्सी पहना हुआ एक खिलाड़ी, विशाल एक बार फिर से इस बार बाजू को खोला, अंपायर की पुष्टि, हालांकि मात्र दो रन। गेंद पैर पे थी, उसको बाउंड्री की सैर पर डालने की पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन ग्राउंड की जो कुछ रचना है उसके चलते मात्र दो रन मिलते हुए। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ शेयर मार्केट की सेंसेक्स की तरह छलांगा लगाता हुआ पहुंचा है 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शेयर मार्केट से सब्जेक्ट निकला, आपको एक जानकारी दूं कि अब भारत का शेयर मार्केट जो सेंसेक्स होता है अब तक के इतिहास के सबसे ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ, यानी भारत किस ओर अग्रसर हो रहा है एक विकसित देश के रूप में उभरता हुआ, उसमें हर एक किसान की, हर एक नौजवान की, हर एक कर्मचारी की भूमिका है। इस बीच दूसरे ओवर की चार गेंदे हो चुकी है, रन बने हैं 20। स्ट्राइक पर प्रशांत, इस बार फिर से ताकतवर शॉट खेलने की कोशिश, फिर से गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, गेंद खेलना कहे चाहते थे, गेंद गई कहा जाना था, पास वाली गली, गेंद गई दिल्ली, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही ठहरा हुआ 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और विशाल को मुरुड एक्सप्रेस के नाम से क्यों जाना जाता है वो यहां पर सिद्ध करते हुए मात्र 5 रन खर्च किए इस ओवर में। इस बार लेकिन बाजुओं को खोला, दाग दिया आग का गोला, 6 रन ठोक डाला, फोड़ डाला, 6 रन आउट ऑफ द पार्क। मैं मेरी कमेंट्री में क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहता है, ये आपको इंडियन प्रीमियर लीग या कहे इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग में आज अभी लाइव गुजरात टाइटंस और जो मैच हुआ छह गेंदों में 15 रन चाहिए थे, उस मुकाबले को गुजरात ने जीता है। 10 ओवर में कुछ 77 रन थे, 199 रन को चेस किया। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहते हैं, यहां पर जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए ना कुछ भी कहना जल्दबाजी है। इस बीच पावर प्ले खत्म हो चुका है, यानी 30 गज के दायरे के बाहर अब 5 खिलाड़ी आप साफ साफ देख सकते हैं, जैसे किसी इंटरनेशनल सीमा पर 5 खिलाड़ी तैनात। 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डीप स्कोर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप में, बैकवर्ड पॉइंट कवर और एक खिलाड़ी शॉर्ट लेग पर। यह है फील्ड की सजावट। पहली गेंद स्वामी सर के लिए, ओवर पिच गई थी, जबरदस्त ड्राइव डीप पॉइंट की दिशा में गेंद, वहां पर बढ़िया क्षेत्र रक्षण, सीमा रेशा पर तैनात थे किसी भी संभावित बाउंड्री को रोकने के लिए, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, पिकअप थ्रो रिटर्न, मात्र एक रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पर पिछली गेंद पर जिन्होंने छक्का लगाया था ओ प्रशांत कुलकर्णी, वही सतीश स्वामी सर 8 गेंदों में 15 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। जबरदस्त कड़ा संघर्ष पूर्ण मुकाबला देखने को मिलता हुआ, जिसके की अपेक्षा कर रहे हैं सभी जमे हुए दर्शक। क्रिकेट उसमें एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन दर्शकों की मांग होती है कि मुकाबला अंतिम गेंद तक जाए, पूरा पैसा वसूल। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बाउंड्री के बाहर।
पिच गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाया, गेंद रफू चक्कर, गेंद गई सजना साजन के घर 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, स्कोर छलांगे लगाता हुआ 33 विदाउट लॉस। नागेश इस बार बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से, ताकत नहीं बल्कि नजाकत का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन 30 गज दायरे पर बढ़िया फील्डिंग स्लिप के खिलाड़ी द्वारा छक्के के बाद दौड़ गेंद, स्कोर वही ठहरा हुआ 33 विदाउट लॉस। एक जबरदस्त शुरुआत मिल चुकी है, अब उसको बड़े स्कोर में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर प्रशांत और स्वामी सर। इस बार एक और फ्लैट छक्का प्रशांत कुलकर्णी के बल्ले से निकलता हुआ। कि आंधियां इतनी तेज होनी चाहिए कि किस्मत का सिक्का भी पूरी तरीके से पलट जाए। जी हां, पहली 4-5 गेंदे में हड़बड़ाहट दिख रही थी प्रशांत कुलकर्णी के बल्ले से, लेकिन उसको तब्दील किया है 2-3 बड़े शॉट के बाद, स्कोर को पहुंचा दिया है अब 39 विदाउट लॉस। तीसरा ओवर जारी है, अब साफ साफ दबाव दिखाई देता हुआ एक-एक क्रिकेट क्लब मुरुड़ के ऊपर। इस बार बढ़िया गेंद, सम्मान करते हुए बालाजी सलेकरूर यांच्याकडून या बेहतरीन सिक्स साठी 100 रुपयाचे पारितोषिक जमा झालेलं आहे। चव्हाण साहेब आपल्या नोंदवहीत नोंद करत आहेत, उत्कृष्ट काम आहे, एखाद्या अकाउंटंटला सुद्धा लाजवेल असा। इस बीच तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, रन रेट शुरू हुए 13.76 यानी 14.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से दिखाई देता हुआ 83-85, जो कुछ पर्याप्त है या नहीं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। गेंदबाजी के लिए नागेश, अंतिम गेंद, अभी तक इस ओवर में 13 रन खर्च कर चुके हैं और 13 रन की ओवर को 19 में तब्दील। है 3 ओवर की समाप्ति पर 45 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में आपने प्रशांत कुलकर्णी को खामोश जरूर रखा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान का घर, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। इस बल्लेबाज का नेचर है आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करना, वो यहां दर्शाते हुए 4 छक्के लग चुके हैं पहली 5 गेंदों में मात्र 3 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन क्रिकेट में और असली जीवन में आप शुरुआत किससे करते हैं? जीरो से करते हैं, लेकिन आप किस मुकाम तक पहुंचते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। जबरदस्त बल्लेबाजी, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 45 रन। भारी तादाद में जुड़े हुए दर्शक, उत्साह का, एक ऊर्जा का संचार होता हुआ पूरे ग्राउंड में। जबरदस्त बल्लेबाजी, गेंदबाजी भी बढ़िया देखने को मिलती हुई। अब सीटियां बज रही है ग्राउंड की चारों तरफ। 18 नंबर की जर्सी पहना हुआ गेंदबाज विशाल डांगे, मुरुड एक्सप्रेस दिशा से भटकते हुए कुमार संपायर मेन अंपायर की भूमिका बजाते हुए इशारा करते हुए कि वाइड गेंद है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से दिशाहीन गेंद, दबाव। देखिए मुरुड एक्सप्रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे इस गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है ना तो कुकर से भी सीटियां बाहर निकलती है, वैसे यहां को देखने को मिलता हुआ। प्रेशर में 2 बैक टू बैक वाइड, इससे पहली ओवर में भी 2 बैक टू बैक वाइड डाली थी, लेकिन वापसी की थी, वापसी करना जानते हैं। सचिन सर,
यस संकेत सर, प्रेशर में कोई निकर जाता है तो कोई बिखर जाता है, और टैलेंट हर किसी में होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छुप जाता है, या फिर किसी का छप जाता है। निश्चित रूप से सचिन सर, किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है, लेकिन इस बीच डॉट बॉल, जबरदस्त मुकाबला, जिस मुकाबले की दर्शक मांग कर रहे थे वो देखने को मिलता हुआ। मुरूड एक्सप्रेस इस बार कैच का चांस, और बेहतरीन कैच, वापसी का हल्का सा द्वार खुल चुका है। एक उम्मीद की चिंगारी जग चुकी है अब एक के क्रिकेट क्लब मुरुड के खेमे में। एक पहला झटका लग चुका है, लेकिन बढ़िया काम कर कर वापस जाते हुए संकेत सर, एक पारदर्शी येत आहे, सन्माननीय आपले बक्षीस जाते प्रवीण भैया कांबळे यांच्याकडून। अविनाश देशमुख यांच्या प्रत्येक धावासाठी, प्रत्येक धावेसाठी, प्रत्येक रनसाठी 101 रुपयाचं पारदर्शक आहे संकेत सर। निश्चितच सचिन सर, भरपूर ठिकाणी कॉमेंट्री करण्याचा प्रसंग आला, योग आला, पण असं बक्षीस प्रथमच पाहतोय। जर इथे 50-51 रन केल्या तर प्रथम बक्षीस 51,000 रुपये, इथं 51,000 रुपये अविनाश सरांच्या खात्यात जमा होणार आहेत। पण देणाऱ्याची दानात पाहिजे ती की प्रवीण भाईने दाखवले, एकदा जोरदार तळ या दिलदार माणसासाठी। चौथे ओव्हर की 3 गेंदे, स्कोर है 47 लॉस ऑफ 1 विकेट्स। इस बार हल्के हाथों से खेला, गेंद बहुत देर तक हवा में थी, पॉइंट और कवर के बीच में कुछ देर तक गेंद बल्लेबाज की सांसें भी अटकी हुई थी। एक रन बन चुका है और हमारे अकाउंटेंट सर चौहान सर नोंद करते हो यहां पर कि 100 रुपये की राशि उनके खाते में जमा हो। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। हालांकि क्रिकेट से आप पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन आप क्रिकेट से नाम और शोहरत जरूर कमाते हो। मुरुड एक्सप्रेस 18 नंबर की जर्सी पहना हुआ एक खिलाड़ी राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबे रन अप के साथ। इस बार गुडने स्पॉट पर गेंद थी, हालांकि पुल शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी नीचे रहती हुई, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। मैं अभी भी जिक्र कर रहा था कि पहली ओवर में भी इस गेंदबाज ने 2 वाइड के साथ शुरुआत की थी, इस ओवर में भी 2 वाइड के साथ शुरुआत की थी, लेकिन रन अभी तक 1.5 ओवर में मात्र 14 रन दिए हैं। यानी आप आगाज कैसे करते हो, इससे बढ़िया अंजाम किस तक। लेकिन इस बार डांसिंग ग्राउंड चहलकदमी कर कर आगे आए। धन्यवाद डीजे, एक अच्छा चल रहे ओवर को उनका बॉलिंग एनालिसिस बिगड़ने का काम किया प्रशांत कुलकर्णी ने। अंतिम गेंद पर स्टेप आउट करके 2-3 कदम आगे आए, चहलकदमी की और स्कोर को पहुंचा दिया इस छक्के के साथ 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। अब बची है मात्र 12 गेंदे, राउंड द विकेट गेंदबाजी का मारा करने के लिए नए गेंदबाज अनिकेत देवकर उर्फ होल्डर, वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान जेसन होल्डर के नाम पर इस गेंदबाज का नाम रखा है उनके साथी खिलाड़ियों ने, होल्डर। लेकिन होल्डर जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, फ्लाइटेड गेंद थी, हवा में ललचाया, क्या बल्लेबाज आइए बड़ा शॉट खेले स्टंप के पीछे एकदम नजदीक,
विकेट कीपर किसी भी संभावित गलती को पकड़ने के लिए, वैसे भी क्रिकेट में और असली जीवन में जो स्टंप्स के एकदम नजदीक होता है वो ही आपको बात करता है। इस बीच ताकत नहीं बल्कि नजाकत के साथ गली की दिशा में खेलकर 2 रन बटोरते हुए। भरत सरांच्या वतीने पारितोषिक आहे, लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी 500 रुपये पारितोषिक। पण आता मान्यवरांनो विनंती आहे, खरं अतिशय महत्वपूर्ण लढत मैदानाच्या आतमध्ये आहे, मारल्यानंतर तुम्ही पारितोषिक द्या, मारण्यासाठी पारितोषिक देऊ नका, थोडा वेळ थोडा आता प्रतीक्षा करा। सामना अतिशय रंगतदार स्थितीमध्ये आहे, अब तक 56 धावा फलकावरती। अविनाश देशमुख आपण पाहतोय ऑन स्ट्राईक, होल्डरचा यावेळेस फटका सुरू आहे, कव्हर्स मध्ये डीप मध्ये आपण पाहतोय प्रोटेक्शन आहे, यावेळेस खरं तर नकार दिलाय प्रशांत कुलकर्णी। पीक आहे मित्रांनो, फक्त लातूर ऐकवा नव्हे तर मराठवाड्यामध्ये नावाजलेला नामांकित खेळाडू, खरं तर या खेळाडूच्या नावावरती अजून एक मोठा विक्रम आहे। प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये एका इनिंगमध्ये तब्बल 10 विकेट घेण्याचा मिळवण्याचा विक्रम जर कोणावरती असेल तर या आपल्या तपसिकुली गावची आणबाणशान प्रशांत कुलकर्णी खेळाडूच्या नावावरती आहे। धफलकावरती 1 धावेने वाढ झाली आहे, 57 धावा। संकेत सर, खरंच तुमचा जोश उत्साह पाहून खरं तर आमचे मान्यवर सुद्धा भार होऊन गेलेले आहेत, कारण ज्यावेळेस कॉमेंटेटर जागेवरून उठतो ना त्यावेळेस खरं त्याची कला इथे सगळ्यांना आवडायला लागते। यावेळेस स्लॉट मधील चेटू बाजूच्या प्लॉट मध्ये जय भवानी हॉटेल मध्ये षटकार। धन्यवाद डीजे। आपण जर पाहिलं तर प्रशांत कुलकर्णी सरांसाठी मित्रांनो पारितोषिक येत आहे, नितीनजी येरुनोळे साहेबांकडून जर 3 षटकार लागतार इथे जर लावले तर तब्बल 563 धावा धावपलकावरती आहेत। मित्रांनो मी खरंच सांगतोय, मान्यवरांना सुद्धा सांगतोय, पक्षी तुमच्या खिशात राहू द्या, मारल्यानंतर तुम्हाला जे बक्षीस द्यायचं ते तुम्ही द्या। ओ हो हो, यावेळेस उंची जास्त आणि लांबी सुद्धा जास्त, लागोपाठचा 2रा षटकार। शक्ती डॉन या, वा अफलातून मित्रांनो एनर्जी पहा, उत्साह पहा, आनंद पहा, काय जबरदस्त खरं तर इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये अफलातून फटकेबाजी, कमाल धमाल लाजवाब, प्रशांत कुलकर्णी ऑन फायर। 14 चेंडू 44, अर्धशतकाच्या उंबरट्यावरती ते पोहोचलाय। या चेंडूवरती षटकार आला नितीन शेठ येरुनोळे साहेबाकडून 500 रुपये पारितोषिक, 54 दादाकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक। व्हाट अ शॉट! डीजे थांबा, चला प्रशांत सर बॅट वर करा, प्रेक्षक प्रशांत सरांची बॅटिंग आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। मित्रांनो 75 धावा धावफलकावरती लावले गेल्यात। जिंदगी का रास्ता असा नाही होता, बिना संघर्ष के कोई महान नाही होता, जब तक ना पडे पत्थर पे हथोडे तब तक भी पत्थर भगवान नाही होता। प्रशांत कुलकर्णी 15 चेंडूवरती तब्बल 50 धावा, एकदा वर हात करून जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। शेवटचं षटक, अंतिम षटक, खर तर क्रिकेटच्या मैदानावरती असं म्हटलं जातं, आगाज नाही अंजाम आजच्या होणं चाहिए, सुरुवात नाही तर शेवट चांगला होणं गरजेचं आहे। आता शेवटचे 6 चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये, तुम्ही आम्ही पाहताय नरसिंह चषक 2024, काय जबरदस्त खर तर काय आयोजन आहे, काय नियोजन आहे, एक दैदिप्यमान सोहळा तुम्हा आमच्या भेटीला आलेला आहे। क्रिकेटचा कुंभमेळा, मराठवाड्यातील नंबर 1ची गाववाईची स्पर्धा मौजे आपल्या या तपसे चिंचोलीमध्ये आपण पाहतोय। अविनाश देशमुख यांच्यासाठी बरीचशी पारितोषिक आहेत, षटकार आल्यानंतर मी त्याचा नाम उल्लेख करेन।
आणि यावेळेस फटका सुरेख, तिथे आपण पाहतोय पॉइंटला क्षेत्ररक्षक बॉलच्या पाठमोर आहे. खरंतर हे स्मार्ट क्रिकेट आहे. एका बाजूला षटकार किंग, आक्रमक विस्फोटक फलंदाजी करणारा प्रशांत कुलकर्णी ऑन स्ट्राईक असताना त्याला स्ट्राईक घेण्याची गरज नाहीये. विजूभाऊ सेलुकर साहेबाकडून मला वाटते तब्बल 1000 रुपये ते जमा झालेले आहेत. प्रत्येक षटकराला आता काय किती आहेत हे वेगळं सांगायची गरज नाहीये. शेवटचे 5 चेंडू या पहिल्या इनिंग मधील. आपण पाहतोय नरसिंह चषक 2024 हा सेमीफायनल क्रमांक 2 चा सामना आहे. एका बाजूला एके क्रिकेट क्लब मुरुड आणि 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 यावेळेस परत एकदा लागोपाठचा चौथा षटकार. ट्रिगर पर उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता और क्रिकेट के मैदान में छक्का लगाने का कोई पैरामीटर नहीं होता. कितना भी लंबा छक्का आप लगा सकते हो. आयोजक टीम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगली साल सबसे लंबे छक्के के लिए 9 रन 10 रन कुछ लगा लीजिए, क्योंकि प्रशांत के बल्ले से वो लंबे लंबे छिटाते हुए. सचिन सर, यस, लागोपाठच्या 4 चेंडूवरती 4 षटकार आलेत मित्रांनो. अजून 2 षटकार येतील का? आई एक इथे मात्र विक्रम होणार आहे का, प्रश्नचिन्ह आहे. आणि 5वा षटकार प्रशांत कुलकर्णीच्या बॅट मधून. प्रियंका चोप्राच्या शुभ हस्ते करतो प्रशांत कुलकर्णीला मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार. मला वाटतं 2000 साली मिळाला असेल. पण एकच गोष्ट आहे, ना पडो इश्क मोहब्बत के चक्कर में वहां पे धोका आहे. क्रिकेट खेलो यारो यहाँ पे नाम बनाने का मौका आहे. 5 चेंडूवरती 5 षटकार आलेत. 6वा षटकार इथे येईल का? काय जबरदस्त फटकेबाजी आहे मित्रांनो. अफलातून इथे 88 धावा 88 रन्स ऑन बोर्ड. मित्रांनो आतापर्यंत प्रशांत कुलकर्णी यांच्या बॅट मधून तब्बल 10 षटकार आलेले आहेत. 10 षटकार एकही चौकार नाही. 88 धावा. समोरचा संघ सुद्धा त्याच ताकदीचा आहे. एके क्रिकेट क्लब मुरुड खर तर मित्रांनो जबरदस्त फॉर्म मध्ये असलेला संघ आहे. अशीच धावसंख्या खर तर इथे उभा करणं गरजेचं होतं. 6 चेंडूवरती सहा षटकार प्रशांत कुलकर्णी. सामना होता मित्रांनो 6 चेंडूवरती 6 षटकार मैदानाच्या आतमध्ये आलेले आहेत. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या परत एकदा. फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पर भरोसा फिर देख होता है क्या. यावेळेस फटका सुरेख, अलंग कार्पेट डीप एक्स्ट्रा कवर्सला. आपण पाहतोय तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, कुठली धाव तिथे मात्र मिळणार नाही. बऱ्याच चेंडू नंतर एक नीरव शांतता, भयान शांतता, पिन ड्रॉप सायलेन्स. चेंडू इथे मात्र डॉट आहे. धापलकावरती 94 धावा आणि आणि डाऊन द ग्राउंड चेंडू सर सीमा रेषा पार चौकार. वरुण राजा कधी खरतर अडचण करताना पाहायला मिळत आहेत नाही. खरतर यानंतर फायनलचा सामना इथे होणार आहे. तब्बल खरतर इथे मात्र जबरदस्त टाळ्या झाल्या पाहिजेत प्रशांत कुलकर्णी सरांच्या या खेळीसाठी. अफलातून अविस्मरणीय, अद्वितीय, अनबिलिव्हेबल फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये झालेली आहे. चला एक डीजेचं सुमोदर संगीत होऊन जाऊ द्या आणि त्यानंतर लागलीच आपण दुसऱ्या डबाला इथे सुरुवात होताना पाहायला मिळेल. आणि त्यानंतर परत एकदा एक सुंदर सुमधूर गोड आवाज परत एकदा हिंदी समालोचनामध्ये संकेत सर आणि त्यांच्यासमोर जुडले जातील आमचे परमित्र गुलाब सर. या गुलाब सर तुमचं सुद्धा मनापासून हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. धन्यवाद सचिन सर, आपने मराठी में हमारे साथी कमेंटेटर हमारे दोस्त
सचिन सर को सुना। और सचिन सर, जिस बल्लेबाज के नाम में शांत है और सरनेम में कूल है, लेकिन ग्राउंड पर मैंने पहले ही जिक्र किया था कि ग्राउंड पर ना शांत रहता है ना कूल रहता है, हालांकि बल्लेबाजी करते हुए अग्रसर रहता है, आक्रामक शॉट खेलता है, लेकिन गेंदबाजी करते हुए कूल ठंडे दिमाग के साथ गेंदबाजी करता है। जबरदस्त खिलाड़ी, नाम है प्रशांत कुलकर्णी, मैन फ्रॉम तप से चिंचोले, नरसिंह चषक 2024 का फाइनल अंतिम डे और दूसरे सेमीफाइनल में स्कोर अर्जित किया है 98 रन, यानी जीतने के लिए 99 रनों का लक्ष्य दिया है। विपक्षी टीम एक एक क्रिकेट क्लब मुरूड को, मैं मैच जब शुरू हुआ था तब जिक्र कर रहा था कि एक के मुरूड की बल्लेबाजी धाकड़ है, लेकिन तब से चिंचोले की गेंदबाजी उससे भी धाकड़ है, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। जिस बल्लेबाजी में कमियां थी, लेकिन उस कमियों को पूरा किया अकेले बल्लेबाज प्रशांत कुलकर्णी ने, एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, यहां पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक अंतिम गेंद ना फेंका जाए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि प्यार में और क्रिकेट में जब तक आप अंतिम मुकाम तक ना पहुंच जाए हाथ कुछ नहीं लगता। ठन ठन गोपाल, सचिन सर, यस, आपण जर पाहिलं तर प्रशांत कुलकर्णी सरांनी 6 चेंडूवरती 6 षटकार मारलेत। आता गावचे प्रेक्षक, गावचे अतिथी कसे शांत बसतील। दीपक दादा लादे यांच्याकडून मित्रांनो तब्बल 1100 रुपयाचं पारितोषिक त्या वादळी खेळीसाठी इथे मात्र जमा झालेलं आहे। दीपक लादे सरांसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। अवघ्या काही क्षणात दुसऱ्या डावाला इथे सुरुवात होईल। समलोचन कक्षामध्ये आमचे गुरुवर्य गुलाब शेख सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सरांच्या मुखातून इथे मात्र आता पुढील समर्थन तुम्हाला ऐकण्याची सुवर्ण अशी संधी। पण सर, थोडा तडका, आता नाना पाटेकर आला पाहिजे। धन्यवाद सचिन सर। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, थोड़ी देर बाद मुझे सूली पर लटका दिया जाएगा, कैसी बाहर आ जाएगी, तुम लोग तमाशा देखोगे, घर जाओगे सो जाओगे, नहीं सोचते हम अपने देश के बारे में। अच्छा है, सही कहती थी वो कलम वाली भाई, कौन सुना उसकी बात को, मैं सुना, अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है यहां पर प्रशांत कुलकर्णी ने, वाह क्या बल्लेबाजी की है, क्या छक्के जड़े हैं, वाह देखकर आनंद हुआ। प्रशांत के विकेट के लिए यहां पर संजय चाकुरे इनके ओर से 101 रुपए का इनाम आया है। देखिए कितना इनामों की झड़ी लगी है। अच्छा, और देखिए चौहान सर यहां पर प्रशांत कुलकर्णी के लिए जो 50 रन बनाए हैं 501 रुपए का इनाम है। अच्छा है, धन्यवाद। फिर एक बार यहां पर बल्लेबाजी की है, अब गेंदबाजी के जोहर दिखाने के लिए आए हैं प्रशांत, बाएं हाथ के गेंदबाज, सामने है स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रशांत टू प्रशांत। देखिए सामने भी प्रशांत है और गेंदबाजी के लिए भी प्रशांत है, दोनों बाएं हाथ के हैं, देखेंगे कौन किस पे भारी पड़ता है। देखिए इस बार खेल दिया है गेंद को स्क्वेयर लेग और मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन दौड़कर पूरा किया, इस एक रन के साथ अपना खाता खोला प्रशांत ने, जो कि जीत का लक्ष्य जो है 99, 6 ओवर में 99 रन बनाने हैं। अब बबलू, बबलू जो कि पहली बार स्ट्राइक लेंगे, सामने है बाएं हाथ के गेंदबाज प्रशांत कुलकर्णी, जिन्होंने एक धुआंधार पारी खेली बल्लेबाजी में, एक आतिशी पारी कहनी पड़ेगी। दर्शकों का यहां पर खूब मनोरंजन किया प्रशांत, बाएं हाथ से ओवर द विकेट बबलू के लिए, और इसे फुल टॉस बनाकर खेल दिया है बबलू ने, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए
और बबलू ने यहां पर अपना खाता खोला, चार रन से अपने टीम को पहुंचा दिया पांच के कुल योग पर। फिर एक बार तैयार प्रशांत बबलू के लिए, और इस गेंद को कट कर दिया है गली के क्षेत्र में से, गेंद जा रही है मिनी बाउंड्री डिक्लेरेशन जोन में दो रन के लिए। इन दो रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर सात रन बगैर किसी नुकसान के। काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं प्रशांत कुलकर्णी, एक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, बल्लेबाजी में तो अपने जौहर दिखा चुके हैं, अब यहां पर गेंदबाजी के लिए आए हैं। काफी लंबे रनअप के साथ बाएं हाथ से बबलू के लिए, और इस बार बबलू ने खेल दिया है एक्स्ट्रा कट। और यहां पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक बबलू के बल्ले से निकलता हुआ छह रन के लिए, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेल दिया था। इन छह रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर तेरह रन बगैर किसी नुकसान के। यह पहला ओवर प्रगति पर नरसिंह चषक 2024 का यह दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ, जो जीतेगा वो दस्तक देगा फाइनल में। फिर एक बार हल्के हाथों से खेल दिया था लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। अभी भी रुका स्कोर है तेरह रन बगैर किसी नुकसान के। फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर प्रशांत कुलकर्णी, स्ट्राइक पर है बबलू, जो कि यह पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। बबलू तैयार प्रशांत की अगली गेंद का सामना करने के लिए, और इस बार ग्लांस कर दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में, मिनी बाउंड्री, दो रन यहां पर मिलेंगे। और इन दो रनों के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है पंद्रह रन बगैर किसी नुकसान के। डीजे यहां क्रिकेट क्लब तब से चिंचोली ने एक एक क्रिकेट क्लब मुरुड़ के सामने कहता है प्यार मेरा ताजा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम तो बाद मेरी गादी तू ला जवाब लाना लाना सजा के डाली मेरे चमन के माली। अतुल पठान गेंदबाजी के लिए आए हैं, अतुल पठान सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत, राइट आर्म राउंड द विकेट मारा करेंगे। और यहां पर अतुल का स्वागत किया है छह रन से प्रशांत ने। स्वागत किया यहां पर प्रशांत ने छह रन से, स्कोर पहुंचा 21 रन बगैर किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत कहनी पड़ेगी यहां पर एक एक क्रिकेट क्लब मुरुड़ की। फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर अतुल, सामने है एक आक्रामक बल्लेबाज प्रशांत। अगली गेंद, और इस बार पटकी हुई गेंद, इस गेंद को खेल दिया है मिनी बाउंड्री, दो रन का इशारा आता हुआ अंपायर। हाँ चलिए
और यहां पर देखेंगे अब गेंद दो गेंदे हो चुके हैं यहां पर अतुल पठान की अगली गेंद आविष्कार बॉल दे चाहे अनखिन एक बॉल दे चाहे आविष्कार अभी भी रुका स्कोर 21 रन बगैर किसी नुकसान के सॉरी 23 रन अतुल फिर एक बार प्रशांत के लिए और यहां पर खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई रोक नहीं पाएंगे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 27 रन काफी आक्रामक रूप धारण कर चुके हैं यहां पर प्रशांत अतुल फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए और इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए वन बाउंस फॉर फोर रन बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर प्रशांत के बल्ले से निकलता हुआ जिस तरह से प्रशांत कुलकर्णी ने बल्लेबाजी की थी उसी तरह से यहां पर प्रशांत वाकुरे एक आतिशी पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए जानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं ये सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ जो भी जीतेगा क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए अतुल पठान अगली गेंद और इस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव खेला है काफी करारा शॉट यहां पर प्रशांत के बल्ले से निकलता हुआ प्रशांत छह गेंदों में 21 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद अतुल की अगली गेंद और इस बार बल्ले का बाहर सिरा लेती हुई स्लिप के क्षेत्र में गेंद गई वहां पर स्वामी सर मौजूद थे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 35 रन बगैर किसी नुकसान के एक अच्छी शुरुआत कहनी पड़ेगी यहां पर एके क्रिकेट क्लब मुरुड द्वारा 24 गेंदों में 64 रनों की जरूरत प्रति और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर संकेत नेहरकर धन्यवाद गुलाब सर मैच किस मोड पर आया है आपको ग्राउंड में जो खामोशी है ना उससे पता चलेगा लेकिन क्रिकेट में मैं हर बार जिक्र करता हूं अनिश्चितताओं का खेल है भैये यहां पर जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए मैं बार बार हर मैच में कम से कम दो बार तो ये कहता हूं इसीलिए क्रिकेट जीवित है और 128 साल में अब एक इतिहास रचने जा रहा है आने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट को प्रवेश मिल चुका है और क्यों मिल चुका है क्योंकि क्रिकेट रोमांचक खेल है मैं यहां पर इतिहास रटने के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए आया हूं ये यहां पर दोनों टीमें यहां पर दर्शाती हुई स्कोर हुआ है फिलहाल दो ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन और मरता क्या न करता सचिन सर टीम का सबसे बेहतरीन गेंदबाज
अपना बैक टू बैक दूसरा ओवर डालने के लिए आ चुका है। नाम है प्रशांत कुलकर्णी, लेफ्ट हैंडेड तेज तर्रार गेंदबाज। अगर इस मैच में तब से चिंचोली को बने रहना है तो हर हाल में विपक्षी टीम के प्रशांत को खामोश करना होगा, शांत करना होगा। लेकिन यहां पर प्रशांत ने तब से चिंचोली के गेंदबाजों को शांत किया है। फिलहाल मैच की तरफ मुड़ते हैं, स्ट्राइक पर होंगे बबलो, मैन फ्रॉम मुरोड प्रशांत। शॉर्ट पिच गेंद थी, कट किया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद दन 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 आती हुई चार रनों के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर दो कदम आगे चलते हुए अब मुरुड के बल्लेबाज, कट किया जोरदार पावरफुल शॉट। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, मात्र दर्शक बनते हुए फील्डर स्कोर को पहुंचा दिया 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की एक गेंद हो चुकी है, प्रशांत ओवर द विकेट। लेकिन घुटना टेप तमाशा देख, लो फुल टॉस स्कूप शॉट, एबी डिविलियर्स की झलकियां इस नरसिंह चषक 2024 में आपको देखने को मिलते हुए तब से चिंचोली के इस खूबसूरत ग्राउंड पर खूबसूरत शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर रपू चक्कर, गेंद गई सजना साजन के घर 6 रन, जबरदस्त शॉट। बबलू शॉक, बबलू शेक इज ऑन फायर, आग लगाते हुए और साइलेंट चुप्पिया दर्शाते हुए कि किस तरीके का खेल हो रहा है। बैट और बॉल दोनों हावी होते हुए, लेकिन फिलहाल बल्ला गेंद पर हावी होता हुआ। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, यहां पर जब एक विकेट आती है तो तुरंत दूसरी भी आती है, यानी एक वापसी के दौर खुलवाने की जरूरत है तब से चिंचोली को उसी पुरजोर कोशिश में। लेकिन फिलहाल स्कोर हुआ है 45 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इतिहास लिखने के लिए आपको कलम की जरूरत नहीं बल्कि हौसले की जरूरत होती है, वो हौसला दोनों टीमें यहां पर दिखाते हुए। और द विकेट प्रशांत कुलकर्णी बबलू के लिए। इस बार टप्पा खाने के बाद हल्की सी गेंद हरकत करते हुए सम्मान दिया इस बेहतरीन गेंद को। कभी कभी आपको कुछ छोड़ना भी पड़ता है। एक पत्थर से जब एक एक पत्थर निकलता है तभी एक बेहतरीन मूर्ति बनती है, वैसे ही अच्छी गेंद को आपको सम्मान देना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर बड़ा होगा, तभी आपकी स्कोर को आगे बढ़ोतरी होगी। फिलहाल प्रशांत कुलकर्णी फिर से बबलू के लिए। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, पाले में जरूर थी लेकिन गति में परिवर्तन कुछ धीमा रखा जानबूझकर। अब सीटियां बजनी शुरू हुई है, जैसी दो डॉट गेंदे हुई सीटियां बज रही है ग्राउंड में। कभी कभी ये भारी तादाद में जुड़ी हुई दर्शक 12वें खिलाड़ी का काम भी करती है, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेशर भी अपने खिलाड़ियों के कंधे पर डाल देती है। दो धारी तलवार होती है भारी तादाद में जुड़ी हुई दर्शक, जो कि आपने देखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2023 के फाइनल में भारत के खिलाफ क्या हुआ था। इस बार गेंद पैर पे थी, उसको 6 रन की सैर पे डालने की कोशिश, हल्की सी मिस अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर आंखों में देखकर इशारा किया हमारे अंपायर, जो कि बढ़िया पूरे टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया अंपायरिंग देखने को मिली। किसी टूर्नामेंट को अगर सक्सेस बनाना है तो सिर्फ टीमें आने से नहीं कुछ होता, आपको इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से अंपायरिंग हुई है उस अंपायरिंग आपकी तय करते हैं कि आपकी टूर्नामेंट सक्सेस हुई है अनसक्सेस। एक बार शशि सर के लिए जोरदार तालियां कीजिए, जबरदस्त अंपायरिंग। आज 10वां दिन है, 10 दिन आदमी खड़ा है मात्र क्रिकेट की चाहत के लिए। कोई अपने साथीदार से इश्क करता है लेकिन इस अंपायर ने क्रिकेट से इश्क किया है। प्रशांत टू प्रशांत, इस बार ताकत नहीं बल्कि नजाकत, जैसे सुई में से धागा पिरोया हो, गेंद बाउंड्री के बाहर सहलाते हुए लहराते हुए बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर को पहुंचा दिया अब 50 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आधा सफर पार हो चुका है, अभी भी आधा बाकी है। डीजे प्रशांत के हो चुके हैं, एक ओवर अतुल का हो चुका है, यानी अब
इस टीम में ऐसी गेंदबाजी के विकल्प है, दो तेज तर्रार गेंदबाज है, वही दो धीमे गति के गेंदबाज है, टर्न करने वाले गेंदबाज है, क्या मैच टर्न कर पाएंगे? एक तरफ है देवा तो दूसरा उनके साथीदार है महादेव। अगर इस मुकाबले में तब से चिंचोली संतोष भिसे यांच्याकडून मोठ्या बक्षिसाची घोषणा झाली, जर हा सामना तपसी चिंचोलीने जिंकला तर 2001 रुपयाचं पारितोषिक आहे। आणि खेळ भावना, क्रिकेट जेंटलमॅन लोगोंचा खेळ आहे, जर हा सामना 10 विकेटने मुरुट जिंकला तर भिसे सरांकडून 1000 रुपये मुरुट संघासाठी। पण एकदा जोरदार तळ्या होऊ द्या। अब विकेटों के पीछे अभी एकदम चिपके हुए गेंदबाजी के लिए 10 नंबर की जर्सी पहना हुआ खिलाड़ी देवा, बबलू के लिए घुटना टेक, तमाशा टेक, गेंद रफू चक्कर, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। उड़ने का शौक है, जिन्हें उड़ने का शौक होता है उन्हें गिरने का खौफ नहीं होता, कोई खौफ नहीं है। दोनों बल्लेबाजों को हवा में बातें करते हुए तारा मंडल में गेंद को पहुंचाते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी, और अब स्कोर को पहुंचा दिया है 56 रन चौथे ओवर की एक गेंद हो चुकी है। जीतने के लिए रन चाहिए, अभी भी 17 गेंदे 43 रन, अभी भी मैच दोनों टीमों के लिए ऑन है, रन अभी भी पर्याप्त है, मात्र 1 विकेट चाहिए। अगर इस मैच में बने रहना है, हल्की सी आपके उत्साह में ज्यादा आत्मविश्वास की कमी यहां पर साफ साफ दिखाई देती हुई। डॉट गेंद 16 गेंदे 43 रन, मैच इज ऑन, दोनों टीमें सचिन सर अभी भी पूरी तरीके से इस मैच में बनी हुई है, मात्र विकेटों का खेल है। यहां अगर 1-2 विकेट आएंगी तो पूरी तरीके से मैच में वापसी करेगी, लेकिन ये 3 डॉट गेंदे अब एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करते हुए बल्लेबाजों पर, एक एक डॉट गेंद माउंट एवरेस्ट की तरह प्रेशर क्रिएट करेगी बल्लेबाजों के कंधों पर। अब समीकरण और भी रोमांचक होते हुए 15 गेंदे 43 रन, यानी 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी भी रन बनाने हैं। जो काम प्रशांत कुलकर्णी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए किया था वो कितना महत्वपूर्ण था, ये अब यहां पर दिखाई देता हुआ। देवा और द विकेट बबलू शेख के लिए, मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था शॉर्ट पिच गेंद थी, पोजीशन में आए बढ़िया शॉट, हालांकि खेलना कहीं चाहते थे, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं थी, फिर भी चौका मिलता हुआ। हार और जीत का फासला ए स्पिन गेंद की तिकड़ी, ए स्पिन गेंद गेंदों की जोड़ी तय करेगी सचिन सर। हालांकि एक के मुरुड़ के बल्लेबाजों को तेज तो खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, अब धीमी गेंदे किस तरीके से आप इन कटर गेंदों का इस्तेमाल करेंगे ये तय करेगी कि फाइनल में अड़गांव के खिलाफ कौन सी टीम जाएगी। आने वाली मात्र 14 गेंदे तय करेगी, 14 गेंदे 39 रन। आगे की 2 ओवर का विश्लेषण हमारे मराठी के एक खूबसूरत कमेंटेटर हमारे साथी सचिन सर के वाणी से आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन इस बार गेंद देखे, फ्लाइटेड गेंद थी जबरदस्त, पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद और चौथी गेंद पर चौका खाने के बाद अभी भी मात्र 10 रन खर्च किए हैं, रन रिक्वायर्ड रन रेट अब पहुंचा है, देखते ही देखते 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए अभी भी। मैच इज ऑन, दिलचस्प बोर्ड में मुकाबला जाता हुआ। चेक करते हुए अपने आप को, अब उत्साह का संचार होने लगा है, 12वां खिलाड़ी अपना काम पूरा करता हुआ। देवा और द विकेट, गेंद हवा में, स्वामी सर वहां पर मिस फील्डिंग, उसके चलते 2 रन मिलते हुए, लेकिन इस खूबसूरत ओवर की समाप्ति होती हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 62 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदे 37 रन 12 बॉल्स
37 रन्स रिक्वायर्ड। आगे का विश्लेषण हमारे साथी मराठी कमेंटेटर सचिन कोहले सर, एक अलग उत्साह संचार उनके मुंह से निकलता है। सचिन सर स्वागत है आपका, 12 गेंदे 37 रन, किसका पगड़ा भारी है? काय मॅच मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे मित्रांनो। प्रेक्षकांनो सामना आवडला असेल तर टाळ्या होऊन जाऊ द्या दोन्ही टीम साठी, कोणी जिंकू द्या, शेवटी क्रिकेटचा विजय होणार आहे। अफलातून मॅच मैदानाच्या आतमध्ये इथे पाहायला मिळते आहे। खर तर मराठीमध्ये एक किसन मामा म्हण आहे, न हरता न थकता प्रयत्न करणाऱ्याच्या समोर नसीब सुद्धा झुकतं। हा तर क्रिकेटचा सामना आहे, काय मॅच आहे मैदानाच्या आतमध्ये। शेवटचे 12 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये। तुम्ही पाहिलं तर चर्चा महाचर्चेमध्ये रूपांतर होत आहे, शेवटी त्या चर्चेतून इथे मात्र निर्णय केला जातोय। चालू कर म्हणा, हॅलो ओहो, चांगल्या पत्तीने चेंडूला अडवला गेलाय, टाळ्यांचा गजर, कौतुकाची थाप, याला म्हणतात एफर्ट, याला म्हणतात जीवाची बाजी लावणे। संघासाठी 3 धावा इथे मात्र वाचवल्या गेल्यात, शेवटचे 11 चेंडू आणि 36 धावा। तसं पाहिलं तर फक्त आणि फक्त 6 षटकरांचा सामना आहे, म्हणण्यासाठी 2 सेकंद लागले पण मारण्यासाठी तिथे मात्र खूप मोठं करत, तिथे मात्र संघर्ष करावा लागणार आहे। 11 चेंडू आणि 36 धावा, हॅलो, पहिला चेंडू चांगल्या टप्प्यावरती आहे। डावखुऱ्याच्या प्रशांतला इथे मात्र थोडंसं शांत केलं गेलंय। यावेळेस बबलू शेख ऑन स्ट्राईक, गोलंदाजाने इथे कोण चेंज केला, फलंदाज इथे मात्र बाद, धक्का क्रमांक 1। डीजे माफ करा, आता खरतर डीजे वाजणार नाही का आणि कशासाठी, कारण समालोचन कक्षामध्ये दुसरा माईक जोडला गेलाय। तर मित्रांनो पहिला फलंदाज, पहिला गडी, कॅप्टन संघनायक सेनापती बबलू शेख बॅक टू द पवेलियन। संकेत सर, 10 चेंडू आणि 36 धावा, काय बोलाल? जबरदस्त कडा मुकाबला देखने को मिलता हुआ, रोमांचित करने वाला ये मुकाबला अभी तक घटता हुआ, और क्या सही वक्त पर ये विकेट आया है अक्षय गाडवे के नाम। पहिली सफलता लेकिन मॅच की तस्वीर बदल देने वाली है मुका, विकेट अक्षय के नाम। यस सर, तकदीर बदली, तस्वीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर। अरे मिला पहला विकेट रामेश्वर वडगावे इनकी तरफ से, ये विकेट के लिए 100 रुपये का पारितोषिक। न्यू बैटर विशाल डांगे मैदानाच्या आत मध्ये। खोलवर टप्प्याचा बॉल खोदून काढलाय, तिकडे डीप एक्स्ट्रा कवर्सला, डीप पॉइंटला, सुंदर क्षेत्ररक्षण, फेकी सुरेख एका धावेवरती। इथे मात्र पहा पहा, घड्याळातील वेळ, मैदानातील खेळ बदलायला काहीच वेळ लागत नाही। एकाच चेंडूवरती तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं, त्याच्या पुढच्या चेंडूवरती फलंदाज बाद झाला आणि एक सिंगल आली। सामन्याचं समीकरण 9 चेंडू आणि 35 धावा। अरुण गगन पर महाप्रगती का अब ये मंगल गान उठा,
करवट बदली अंगड़ा इली और सोया तब से सिंचोली जगा। एक बार बेहतरीन तालियां, जोरदार तालियां अक्षय गाड़वे के लिए और खास तौर पर डीप पॉइंट के उस खिलाड़ी के लिए जो बेहतरीन फील्डिंग करता हुआ। अब रोमांचित कर देने वाला मुकाबला समीकरण सर, 9 गेंदे 35 रन, दोनों टीमों के लिए अभी भी मैच ऑन है, स्विच ऑन होता हुआ दोनों टीमों के लिए। अक्षय क्या बात है, फिर से एक बार एक बढ़िया एफर्ट, जबरदस्त। सचिन सर दबाव में अगर गेंदबाजों का सबसे भरोसेमंद साथी कौन होता है तो फील्डर होता है। जिस तरीके से फील्डरों ने गेंदबाजों को मनोबल ऊंचा किया है, डीप पॉइंट के खिलाड़ी ने दो बार जबरदस्त फील्डिंग, अब लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा अब ऊर्जा का संचार होता हुआ क्रिकेट में अब एक 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 कदम फाइनल की तरफ अग्रसर होती हुई। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है भाई, यहाँ पर एक दो बड़े शॉट, फिर से 8 चेंडू आणि 34 आपण पाहतोय फटका अलांग द कार्पेट, सुंदर इथे मात्र चेंडू अडवला जाईल असं म्हटलं जातं, जो संकटांना घाबरतो त्याची लागते वाट, आणि ज्याच्याकडे असतो ना आत्मविश्वास त्याला सापडते इथे वाट। इथून पुढे पाहायचंय कोण कोणाची लावणार वाट, काय रंगतदार सामना, आता तटीचा काळजाचा ठोका चुकवणारा सामना तुम्हा आमच्या भेटीला आलेला आहे। शेवटचे 7 चेंडू आणि 33 धावा, या षटकातील एक चेंडू शेष आहे, हा चेंडू इथे विशेष बनला जाईल का? प्रशांत मित्रांनो या खेळाडूला खूप मागणी आहे, आयकॉन खेळाडू म्हणून खरं तर या खेळाडूने अतिशय कमी वयामध्ये खूप नाव लौकिक कमवलेलं आहे, सहजासहजी प्रशांत सामना सोडणार नाही। दोन्ही बाजूला प्रशांत, मित्रांनो ग्राउंडच्या बाहेर खरं तर थोडंसं बसून घ्या, शेवटचे 7 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता। अक्षय गाडवे परत एकदा, ओ हो हो, हो गई गलती, हो गई भूल, और इधर दांडी गुल। इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल देता है। इतिहास बदलते हुए इस गेम चेंजिंग ओवर में दर्शक 2024 तब से चिंचोली के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दबाव भरे पल में जिस गेंदबाज की अब एज कुछ 22-23 साल होगी, उस टीम ने पूरे टीम की पूरे गांव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और इस दबाव भरे पल में बिखरे नहीं बल्कि निखर कर उभरते हुए जबरदस्त गेंदबाजी। अब सचिन सर 6 गेंदे 33 रन, क्या काम होने वाला है कार्लोस ब्रैथवेट वाला? यस, अक्षय गाड़वे ने खुद से नहीं औरों से कह दिया कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का रास्ता ही ना हो। संकेत सर हा सामना आता अतिशय आतातटीचा आहे, तिथे ती गोष्ट मी तुमच्यापर्यंत खरं तर माहिती पुरवणार नाही। शेवटच्या षटकामध्ये 6 चेंडू 33 धावांची आवश्यकता आहे, हाच तो अक्षय गाडवे होता, नमो चषकाचा फायनलमध्ये विलन ठरला होता, पण आज इथे मात्र गेम चेंजर कुणी असेल तर तो आहे अक्षय गाडवे। शेवटचे 6 चेंडू आणि 33 धावा, परत एकदा देवा बिराजदार या स्पर्धेच्या टॉप बॉलरमध्ये अव्वल क्रमांकावरती नाव असेल देवा बिराजदार। सचिन सर आपने जिक्र किया अक्षय का, जिंदगी धोखे कम और मौके ज्यादा देती है। पहली गेंद स्लोर वन गेंद, गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई हरकत करती हुई, और वो कहते हैं ना जिस गेंदबाज की गेंद हरकत करती है उसकी पूरी टीम बरकत करती है, तब से चिंचोली की टीम बरकत करती हुई। 5 गेंदे 33 रन, क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक अब मैच निकल चुका है एक एक क्रिकेट क्लब मुरुड के हाथ से। देवा इस बार फिर से गेंद हवा में, उसके बाजू वाले प्लॉट में डिपॉजिट किया है, क्या मैच में अभी भी कुछ जीवित है? धन्यवाद डीजे, क्या मैच में अभी भी कुछ रोमांच बचा है, क्योंकि टूर्नामेंट ही रोमांच से भरा हुआ है। यहां पर कुछ भी देखा गया है, 4 गेंदे 6 गेंदे 24 भी चेस हुआ है, लेकिन अब 4 गेंदे रन चाहिए 27 रन
अगर कुछ नो बॉल वगैरह आया तो समझो हार्ट पेशेंट वाले ना, फिर तो गए काम से सचिन सर। देवा बिराजदार परत एकदा आपल्या गोलंदाजीच्या मार्क वरती सज्ज होत आहेत। विशालच्या बॅट मधून एक उत्तुंग षटकार आला, चार चेंडू आणि 27 धावा, सामन्याचं समीकरण आकडे बदलत आहेत। ओहो परत एकदा यावेळेस उंची जास्त, लांबी कमी, क्षेत्ररक्षक इथे मात्र चूक करतायत, दोन धावा इथे मात्र पूर्ण होत आहेत। आता जर तुम्ही पाहिलं ना तर सामन्याचं समीकरण आकडे बदलत आहेत, 3 चेंडू आणि 25। क्रिकेटच्या बुक मध्ये असा कुठलाच फटका नाही जो तुम्हाला 3 चेंडूवरती 25 धावा देऊन जाईल, पण जर गोलंदाजाने चुका केल्या तर आणि तरच नरसिंह क्रिकेट क्लब तपसी चिंचोली हा सामना हरू शकतात, अन्यथा विजयश्रीची माळ। ओ हो हो हे प्रभू, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथे प्रेमानंदे, एक क्या हो गया। अल्लाह टूटा है लेकिन छक्का भी आया है। लेकिन सर सचिन सर, अगर ये मुकाबला ISPL के नियमों के अनुसार चलता तो वहां पर लंबे छक्के के लिए 9 रन मिलते थे। यस, उस दोन चेंडू आणि आता 19 धावांची आवश्यकता। मित्रांनो, सामना कोणी जिंकू द्या, सामना एके मुरुड संघाने जिंकू द्या, नरसिंह क्रिकेट क्लब तपसे चिंचोली संघाने जिंकू द्या, जिंकल्यानंतर जिंकलेल्या टीमचा जल्लोष मित्रांनो आणि खरतर मान्यवरांनो पाहण्यासारखा असणार आहे। कॅमेरामॅन तुम्ही फोकस करून तयार राहा। 2 चेंडू आणि 19, देवा देवा तू विशाल, यावेळेस बॅटची कडा विकेटच्या पाठीमागे, चेंडू अडवला गेलाय, माफ करा चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाऊन पोहोचतोय। 1 चेंडू आणि 17 धावा, नरसिंह चषक 2024 ग्रँड फिनाले मध्ये प्रवेश करण्यासाठी। मित्रांनो, लाख अडथळे आले तरी थांबायचं नाही हे आपल्या छत्रपती शिवरायांची शिकवण आहे, कारण जिंकत नाही तवर झुंजत राहायचं। फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक चेंडू हवेत आणि इथे सामना संपलाय, तब्बल 16 धावांनी नरसिंह क्रिकेट क्लब तपसे चिंचोली इन टू द फायनल्स। अक्षय साठी हात वर, प्रशांत सरांसाठी सुद्धा हात वर, धन्यवाद डीजे। प्रशांत सर,
डीजे फाइनल मुकाबला अजून खेळायचा आहे, प्रेक्षकांची गर्दी आहे। हॅलो डीजे, डीजे डीजे आवी सर, चला ऐ